माल गोदाम रोड स्थित दुकानों के बाहर पिछले 3 महीने से भरे नाली नालों व सीवरेज के गंदा पानी से परेशान होकर दर्जन भर दुकानदारों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर सड़कों पर बाइक लगाकर रोड को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। जाम लगने की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस व वार्ड के पार्षद ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों को समझा बुझाकर करीब आधे घंटे बाद जाम खुलवाया। इतना ही नहीं, जाम खुलने के बाद मौके पर पहुंचे नगर परिषद के ME को भी दुकानदारों ने जमकर खरी खोटी सुनाई और दुकानदारों के गुस्से को बढ़ता देख अपनी जान बचाकर ME साहब नगर परिषद के कार्यालय भागते हुए नजर आए। दुकानदार तरुण गर्ग और मनीष जैन का कहना है कि पिछले 3 महीने से उनकी दुकानों के आगे सड़कों पर 20 फुट आगे तक नाली नालों व सीवरेज के गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके चलते उनकी दुकानदारी भी काफी प्रभावित हो रही है। 3 महीनों से उनकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं चढ़ा। दुकानदारों का कहना है कि वो इस बारे में पलवल SDM जितेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव दीपक मंगला, भाजपा युवा नेता गौरव गौतम व नगर परिषद के आला अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद परेशान होकर शुक्रवार की दोपहर मजबूरन दर्जनों दुकानदारों ने मिलकर नगर परिषद के कार्यालय के बाहर सड़कों पर बाइक लगाकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस और वार्ड नंबर 20 के पार्षद इंद्रपाल भी मौके पर पहुंच गए और दुकानदारों को समझा बुझाकर करीब आधे घंटे के बाद जाम को खुलवाया। मैं चाहता हूं कि मैं नगम रोड से रहने वाला हूं, दुकानदार हूं। हमारे जो जाम लगाने का प्रॉपरली जो मैटर है वो है पानी का निकास नहीं है। हमारे यहाँ पे नाली का जो पानी का ऊपर आता है, सड़क पे आता है और पानी भरा हुआ रहता है। कम से कम 30-40 फुट का पानी रहता है हमारे यहाँ पे आगे भरा हुआ, लेकिन उसका कोई निकास नहीं है, समाधान नहीं है। हमने परेशान होकर के यहाँ पे जाम लगाया और उससे पहले हमने कमेटी में आकर के EO GO जितने भी ये अपने अधिकारी हैं सबसे मुलाकात करने की कोशिश करी। यहाँ पे कोई मौजूद नहीं पाया गया। तो हमने लास्ट में डिसीजन ये लिया कि हमने यहाँ पे जाम लगाना शुरू कर दिया। जब जाम लगाना शुरू कर दिया फिर पुलिस प्रशासन आया। पुलिस प्रशासन ने आकर के भी कोई इतना वो एक्शन नहीं लिया, लेकिन हमारे जो रन्नू बढ़ाना है और पार्षद हैं इन्होंने कहा कि मतलब 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम यहाँ पे एक्शन लेंगे, पानी को ख़त्म कर देंगे। लेकिन पानी ख़त्म करने का कोई माजरा तो दिखाई देने का, लेकिन फिर भी हम इनको 2 दिन का, एक आपका शनिवार और एक इतवार, 2 दिन का फिर हम इनको समय दे के चल रहे हैं। अगर ये इन 2 दिनों के अंदर इसका पानी का पूरी तरह से निकास नहीं हुआ तो सोमवार को हम पूरा कमेटी चौक को पूरा जाम कर देंगे। कितने दिनों से ये समस्या आ रही है? कम से कम 3 से 4 महीने हो गए। दुकानदारी पर कितना प्रभाव? दुकानदारी बिल्कुल नहीं है, 1 रुपये की भी नहीं है। सुबह शाम तक खाली बैठे रहते हैं। तो इससे परेशान होकर आपने जाम लगाया? इससे परेशान होकर हमने जाम लगाया। अगर आपकी समस्या का जल्द समाधान नहीं होता तो क्या कदम उठाओगे? तो फिर पूरा ये कमेटी चौक पूरा जाम करेंगे और दुकानों को पूरा बंद कर देंगे। तो आपको पहले ही बताया था कि आपने कई बार आपने पहले भी निरीक्षण किया है, 3 महीने से यहाँ पर रोड पर पानी भरा रहता है, सीवर का गंदा पानी। जहाँ भारत सरकार और मोदी जी का सपना स्वच्छ भारत का, उसको पलवल नगर परिषद के चेयरमैन और पलवल नगर परिषद पूरी तरह फेल करने में लगे हुए हैं। स्वच्छता अभियान के नाम पर ये सामाजिक संस्थाओं पर केस बनाने की तो सोच सकते हैं कि जी आपने बोर्ड लगा दिया शहर गंदा कर दिया, वो तो ये लोग कर सकते हैं, पर सफाई के नाम पर ये 0 है। 1 करोड़ मैंने जो सुना है करीब 1 करोड़ रुपया महीने का सफाई पर खर्च हो रहा है और सफाई की यहाँ पर पूरे शहर की देख सकते हैं। और माल गोदाम रोड का तो 3 महीने से इतना बुरा हाल है कि आप आज जाके खुद निरीक्षण करें कि वहाँ पर इतना 20-20 फुट पर सड़क पर पानी भरा पड़ा है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अभी ME साहब बाई डिफॉल्ट आ गए हैं तो ME साहब ने उल्टा जवाब ये दिया आपके सामने कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो डेवलपमेंट कर सकता हूँ। 1.5 साल लगेगा इस नाली को बनने में, मतलब 1.5 साल लगेगा। 3 महीने भी हो चुके हैं, 12 महीने और, परंतु क्या 1.5 साल के लिए दुकानदार हॉस्पिटल में जाके रहे या दुकानें बंद कर दें, क्या करें, ये समस्या बाहर का। अधिकारी चाहते हैं कि इस साल इस सरकार का ये जो कार्यकाल जो बचा है ये निकल जाए। हाँ, इस साल में निकल जाएगा, अगली सरकार आएगी, चाहे ये सरकार आए कोई भी सरकार आए, पर काम जब ही होगा। पर 1.5 साल का उन्होंने टाइम मांगा है इस रोड का पानी, बस पानी निकाल देंगे। जब इनसे कहते हैं 10-20 इकट्ठे आते हैं, जब पंप लगा देते हैं, 2 दिन पानी चलता है। क्या है पानी भरने का कारण? क्या पानी भरने का लेवल का? पहले BNDR ने यहाँ पर नाला बनाया, उसका वाटर लेवल गलत करा, उसके बाद उसको उस काम को छुपाने के लिए एक नए नाले बनाने का निर्माण शुरू कर दिया कि वो काम ढक जाएगा। वो निर्माण का काम इतनी धीमी गति से चला, 3 किलोमीटर 3 महीने में 100 फुट में वो नाला बना है। ठेकेदार के 2 आदमी लगे रहते हैं, आराम से टुक टुक काम कर रहे हैं। मालूम है लोग ठेकेदार साहब क्या चाहते हैं। वार्ड नंबर 20 के पार्षद इंद्रपाल का इस बारे में कहना है कि दुकानदारों को समझा बुझाकर जाम को खुलवा दिया जाए, जल्द ही दुकानदारों की समस्या का समाधान कर दिया जाए।
समस्या ये है कि मालगोदाम रोड की जो नाली अभी कोई एक साल पहले पीडब्ल्यूडी ने बनाई है, उनका लेवल ठेकेदार द्वारा सही नहीं लिया गया है। और कई बार नगर परिषद प्रशासन पीडब्ल्यूडी को भी चिट्ठी लिख चुका है और अफसरों को अवगत करा चुके हैं, उनका लेवल सही नहीं होने से जो ये कमेटी के सामने से पानी जाता है, ये ऊंची सतह पे पानी जाता है और वो नीचा रह जाता है, तो पूरी तुहिराम कॉलोनी और मालगोदाम रोड को भरता है, जिस सारे दुकानदार और जितनी भी गलियां अटैच हैं श्याम नगर की, सब लोग उससे परेशान हैं। क्या आश्वासन दिया गया? अब आश्वासन हमने और हमारे पार्षद जी हैं रन्नू भड़ाना जी मिलकर हमने एक हफ्ते का टाइम दिया है और पंप तो आज ही लगवा रहे हैं, अभी दो घंटे के भीतर वो अपना काम पानी निकालना शुरू कर देगा। बाकी जब तक नालियों की समस्या सही नहीं होगी, उनकी फिलिंग नहीं होगी, तब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। और एक नाले का काम चल रहा है, उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है, जो पब्लिक हेल्थ नया नाला यहाँ सुरेश सुल्तापुरिया के यहाँ से और लास्ट तक बनाने जा रहे हैं, उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो रही है। तो एक हफ्ते के भीतर हमने इनको आश्वासन दिया है, इनके नालियों को किसी भी तरह करके सही कराएंगे।